खरगोन से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम रतनपुर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजरत लतीफ शाह बाबा की बरसी मुस्लिम समाज द्वारा मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कहा जाता है कि हजरत लतीफ शाह बाबा कई सदियों पहले यहां आकर बसे थे। उनकी वफात के बाद हर साल उनकी बरसी और 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम पहुंचते हैं और अपनी मान मन्नतें लेते हैं और दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। कमेटी के लोगों का कहना है कि बाबा के कई ऐसे वाक्य हैं जिन्हें लोग आज भी मिसाल देते हैं। साबिर हुसैन ने बताया कि 13, 14 और 15 दिसंबर को 3 दिवसीय उर्स का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। वफात का दिन था, आज वफात हुई थी उनकी। इस हिसाब से जो बरसी होती है हर साल के मुताबिक लंगर खाना होता है और पब्लिक आती है बार बार से और जो खाना वगैरह खा के जाती है आराम से इत्मीनान से, और जो है बाबा के आस्थाने के ऊपर मुरादे वगैरह जो भी मन्नतें लेके आते हैं तो मन्नत पूरी होती है वापसी, और डबल रिटर्न अभी आते हैं और तोलेदान वगैरह भी होती है, तोलते भी बच्चों को। और अभी जो है 13, 14, 15 में जो है 3 दिवसीय जो है 3 रोज का जो है और भी मेला लगने वाला है, और हजरत जो है सिंध पाकिस्तान से आए थे और यहाँ पे मुकाम दिया उन्होंने, और यहाँ पे जो है एक जो मौजज़ा भी उनके साथ में हुआ, जैसा जो दीवाल थी औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आए थे यहाँ पे, और जब यहाँ पे दीवाल औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आए हथनी के ऊपर बैठ गए और हजरत जो है दीवाल के ऊपर बैठे और दीवाल चलने लगी, तो वो वाकया जो था वो वाकया जो है हर जिसको हमारे जो बुजुर्ग थे पुराने उनको मालूम थी, उन्होंने हमें भी बताया, हमारे वालिद साहब ने और वालिद साहब जो परदादा वगैरह उन्होंने बताया था ये वाकई हम तक के आया ही हो कि कब से उर्स का आयोजन होता है। ये उर्स जो है समझ लो कि 350 साल का उर्स। ये बेड़ी भी है, वहाँ भी लोग जाते हैं, बेड़ी के ऊपर उनकी बैठक है, इबादतगाह है उनका, चिल्ला है, तो वहाँ पे भी जो है जाते हैं लोग। क्या नाम है आपका? हाफिज मुसवीर साहब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।